कामाख्यानगर सरकारी मेडिकल रे रोगी मानकु उपयुक्त चिकित्सा जगाइबा सह रहिबा खाइबा चिकित्सा पई दरकारी औषध संपूर्ण भावे देयमुक्त रहिछि। सेतिपई तो प्राय लोके सरकारी मेडिकल को चिकित्सा पई आस्थांती। तेबे कामाख्यानगर मेडिकल रे चिकित्सा पई देबाकु पडुछि एबे टंका। एभली एक अभियोग आसीछि मेडिकल रो जणे महिला कर्मचारी को नाम रे। आज कामाख्यानगर थाना बाउंसपाल पंचायत टासीरी गाँवर बिजू मुर्मू खेलुवा समय पड़जुवर मुंडे आघात लगी चिकित्सा पई ग्रामवासी सहायतार कामाख्यानगर सरकारी मेडिकल को अणा सेठारे दायित्व मेडिकल महिला कर्मचारी अमिता साहू तांको चिकित्सा पई 700 टंका देबाकु कहिथिले एवं सेही पैसा रे सूता छुंची औषध किणाजिवो। बिजू मुर्मू साथीरे आस्थिबा दुई जण व्यक्ति कर्मचारी अमृता 700 टंका देइथिले। एहापरे डाक्तर लिखिथिबा प्रेस्क्रिप्शन को ले सरकार तरफरु मागणा जगाउथिबा निरामय केन्द्र को जाइथिले। सेठारे सेमाने जानिबाकु पाइथिले जे सरकारी मेडिकल रे चिकित्सा संपूर्ण मागणा अटे। एहापरे दुई जण व्यक्ति उपखंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाक्तर रत्नाकर सामल को जणाइथिले। एहापरे अधिकारी श्री सामल संपृक्त महिला कर्मचारी अमिता को टंका फेरैबाकु कहबा सह तागिद मध्ये करथिले। ड्रेसिंग दीदी कहला पैसा लगे 500 टका दे जदि दरकार हो मैंने दरकार तो होने 500 टका देदेला बैंक आम जाइल पैसा उठे रोज आहरी 200 टका लगे मैंने 700 टका नहीं गला कहले मैंने चिठार लिखिदेले मेडिसिन आना तांको पचारे गले से कहले बिना पैसा रे आबो से जो मेडिसिन वाला से बहुदला कोन सुता अरे सुता कोन। तबे एठी प्रश्न उठुची महिला कर्मचारी को नाम रे एभली अनेक अभियोग आस्थिले मध्ये चिकित्सा अधिकारी पदक्षेप न नै केवल तागिद करी छाडी देउछंती काहे की महिला कर्मचारी को विरोध रे कार्यानुष्ठान नेबाकू एबे विभिन्न महल रु दाबी हेउची। ब्यूरो रिपोर्ट सकाळ खबर।